तो देखिए किचन में जो है भाई साहब भी आज लगे हुए हैं, और भाई साहब मेरे क्या बना रहे हैं आप लोग जानते हैं, ये छोटा भाई है और बहुत ही अच्छा शेफ़ है। तो ऐसा क्या है मैं कहाँ जा रही हूँ जो इतना सारा पकवान भी बन रहा है, और ये मतलब भाई साहब को भी काम में लगना पड़ गया किचन में, और सब तैयारियाँ हो रही हैं। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये ब्लॉग हमारा इमोशनल है, बिल्कुल इमोशन से भरा हुआ है। और देखिए ये मतलब सब कुछ आपको मेरे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय मैं मैके आई हुई थी और 2 महीने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही घूमे ठहरे सब, और आप लोगों के साथ मैंने सारे ब्लॉग्स भी शेयर किए अपने। और अभी आज बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि अब मायके से जा रही हूँ और मुंबई जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो बच्चों का स्कूल खुल गया है और वेकेशंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, अभी एक्स्ट्रा ही हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं और दुख बहुत ही हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और तो अभी देखिए मेरी तैयारी में सब बन रहा है ये, क्योंकि 24 आवर्स का मतलब लग जाता है ट्रेन में ही, और फिर यहाँ से जाते हैं तो मतलब आज बैठेंगे तो कल हम लोग शाम को पहुँचेंगे। तो ये बनी हुई है, यहाँ पर बाटी है और ये पुआ भी बन रहा है किचन में, और मेरे भाई साहब लगे हुए हैं, भाई भाभी जी भी लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं। वो मेरी पैकिंग में लगी हुई है कि क्या क्या पाऊँ और दे दूँ भाभी जी को। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल रही हैं भाभी जी, मतलब लगी हुई है कि मुझे क्या क्या दे दे, तो सब निकाल उकाल के रख रही हैं। और भाई साहब बना रहे हैं मेरे लिए तहरी, तो इन्होंने इनके अपने स्टाइल में तो देख सकते हैं इन्होंने सारे मसाले यहाँ इकट्ठा कर लिए हैं। बोल रहे थे कि मैं दीदी के लिए खुद तहरी बनाऊँगा, भाभी जी को मना कर दिए कि भाभी जी नहीं बनाएंगी। तो देख सकते हैं ये तहरी बनाने में जुटे हुए हैं ये अपने स्टाइल में। और ये आप लोगों को एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मैंने एक बार शायद आप लोगों को बताया भी था कि पास्ता बनाया था इन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छे कुक भी हैं, शेफ़ का काम बहुत ही अच्छा करते हैं। भाभी जी आके खड़ी हो गई हैं, आगे ढूंढ रही हैं कुछ, क्या ढूंढ रही हैं मुझे भी नहीं पता है। और कोई कलछुल खाली है? बड़ी है नहीं, चावल लगा है तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कैसे यहाँ से मेरी हो रही है विदाई और इमोशंस के साथ भरा हुआ ये मेरा ब्लॉग होगा, मतलब बिल्कुल भी सैड सैड वाली फीलिंग आ रही है। और मायके में कितना भी रहूँ मन नहीं भरता है, लेकिन बेटियों को मायके में नहीं रह सकती हैं, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। भाभी जी मेरी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि ये भी अपना मायका छोड़ के यहाँ आई हुई हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मैं दिखाती हूँ अभी पूरा कैसे मतलब हमारी विदाई हो रही है, क्या क्या होता है हमारे यहाँ यूपी में। बस बहुत ये पूरा सब तैयारी हो चुकी है और सामान को एक जगह कर दिया गया है। अब रिक्शा आ चुका है और रिक्शे पे रखेंगे, तो बच्चा हमको जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो बच्चा भी मेरे साथ ही जाएंगे। और तो अभी सोनाली जा रही है कोच पूजने, रंग तो मुझे लग चुका है, और चलिए फिर कोच पूजवा लेते हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। पूरा
हंसने के पीछे आंसू छिपे हुए हैं और इन्होंने ही शुरुआत की और सबको रुला दिया, मम्मी को भी रुलाया, मुझे भी रुलाया, खुद भी रो ही रही हैं। तो आप लोग भी बताइए कि इनको रोने की ज़रूरत नहीं है और अभी ये भी आने वाली हैं। नहीं तो फिर उनका मदद करते हैं, मेरे को मदद नहीं आगे इलाहाबाद से बनेगा, चाहते हैं बनवा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रयागराज छिवकी स्टेशन। तो हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज छिवकी, तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये स्टेशन बनाया गया है। अभी नया स्टेशन, नया नहीं है मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग की ट्रेन है, तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू आपका दिखा। ये हमारा है प्रवेश द्वार, तो देख, ट्रेन हम लोग की थोड़ी लेट थी लेकिन ये अच्छा था कि हम लोग के ट्रेन में बैठने के बाद ही बारिश स्टार्ट हुई। तो और व्यू तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बारिश की बूंदें जो है देखिए कैसे कांच पे आ रही थी और व्यू बाहर का बहुत क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि कांच लगा हुआ था, कांच बंद था और बारिश भी हो रही थी। तो हम लोग फुल इंजॉय कर रहे थे और ट्रेन में सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे, सब अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे क्योंकि वेकेशंस ख़त्म हो गए थे। तो सब अप्रोक्स सब लोग ही मतलब जैसे गांव आते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो अभी सब जा रहे थे अपने अपने प्लेस पे जहाँ जो भी रहता है। और कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जग रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे थे। और छवि भी देखे अपनी सीट पे पहुंच गई थी, उनकी मिडिल बर्थ थी। और यहाँ पे ये दादी जी भी सो रही थी, तो सब अपने अपने काम में लग गए थे। एटीटी जंक्शन और हम लोग ट्रेन अभी खड़ी है और ट्रेन से उतर चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लगेज भी सब उतार लिया है, यहाँ रख दिए हैं और भाई मेरा आ रहा है। और ये स्टेशन की हालत, आज पानी बहुत हो रही है, तो पूरा पानी है और यहाँ बारिश बहुत धमाधम बारिश हो रही है बहुत तेज। आप लोग देख सकते हैं ये मुंबई की बारिश का मज़ा है और पब्लिक भी वैसे ही भीड़ भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो पब्लिक नहीं है, पब्लिक पूरी भीड़ भर के है और सबका काम चालू है, भीड़ भी चालू है। मेरे पति देव भी आ गए हैं और अंश को थोड़ा प्यार लाड दिखा रहे हैं, पापा जी अभी देख सकते, मुझे भी देख सकते हैं, ये हो गया है बारिश का, देख सकते हैं। तो हम लोग लोकल ट्रेन में आ गए थे और लोकल ट्रेन में जाते बहुत ही भीड़ थी, एसी की ट्रेन है तो फुल मतलब रहता है और स्टेशन पे ही ये गेट खुलता है और स्टेशन मतलब अप्रॉक्स 2-3 मिनट्स के लिए कह सकते हैं कि ये रुकती है ट्रेन और तभी दरवाज़ा खुलता है और फिर तुरंत ट्रेन चालू होने से पहले ही गेट बंद हो जाता है। तो सेफ भी रहता है और क्योंकि जो है बहुत ही भीड़ होती है लोकल ट्रेन में, आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सेफ रहती है, भीड़ तो इसमें भी हो जाती है लेकिन जो है हम गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर मुंबई और बारिश अभी भी हो रही है और इस बार तो बहुत ट्रेजडी हो गई मेरे साथ क्योंकि हम लोग मतलब घर से तो निकले, जैसा पता था आप लोगों को कि यूपी से मुंबई आ रही थी तो वहाँ से तो ठीक था, अच्छे से हम लोग आ गए और यहाँ जब हम लोग उतरे LTT में स्टेशन पे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। और मतलब ऑटो में बैठने के बाद फिर ऑटो वाले तो मतलब रुकते नहीं है क्योंकि रोड पे बोलते कि रोड पूरी जाम हो जाएगी और इसलिए वो बोला कि फटाफट आप अपना सामान उतारो नहीं तो ट्रैफिक लग हो जाएगा। और हम लोग मतलब बारिश इतनी झमाझम हो रही थी और उसी में हम लोग को अपना सामान भी उतारना पड़ा और सामान मेरा मतलब पूरे भीग गए, कपड़े वगैरह जो भी लगेज था, इतनी बारिश थी क्योंकि हम लोग का अप्रोक्स 3-4 बैग थे और वो सब उतार के रखने में फिर लेके चढ़ने में सीढ़ी से प्लेटफॉर्म पे तो उतनी देर में तो पूरा लगेज हम लोग का भीग गया। और बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश में कपड़े सुखाने तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है
और उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो कपड़े थे मतलब ला के फिर मतलब मुझे सारा यहाँ पे ही फैलाना पड़ा, क्योंकि जो है ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट काम लग रहा था और मैं मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाई। उसमें मतलब दिमाग ही बिल्कुल नहीं चल रहा था कि आने के बाद पूरे बैग्स गीले थे। तो हम लोग आए और हस्बैंड जी ने खाना बनाया था, तो खाए पिए, उसके बाद सबसे पहले लगेज का हो रहा था कि इसका क्या करूँ मैं। मैंने दोनों फ़ैन ऑन कर दिए थे हॉल में ही, और अंदर बेडरूम में भी पूरा चादर नीचे ही डाला और सब कपड़े निकाल निकाल के फैलाए जितना भी मतलब पॉसिबल था, जहाँ भी था कि सोफ़े पे जहाँ भी जगह मिल रही थी सब सामान को कैसे मैनेज किया गया। फिर अभी बच्चों का स्कूल का भी वो था तो उन लोग के भी बैग्स वगैरह निकाले गए, क्योंकि मतलब लेट हो गया उन लोग को, जैसे 10 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ही हो गई है क्योंकि हम लोग का टिकट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए लेट ही हो गया। और अब जाने की तैयारी है, तो कल से ये लोग अपना स्कूल भी ज्वाइन करने वाले हैं। और तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री रहता है, कोई कॉस्ट नहीं रहता है। मतलब बहुत लोग डरते हैं कि हम सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा मेरा कट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।